स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज बच्चों हम जो करने जा रहे हैं CBSE क्लास 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, उसकी समरी करेंगे और बताएंगे आपको इस पूरी स्टोरी में है क्या। ठीक है ना? तो बच्चों जो इस चैप्टर का नेम है सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला, उनकी एक बुक थी और ऑटोबायोग्राफी हम इसको कह सकते हैं। आपसे पूछेगा भी एक नंबर में, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला तो डैश दिया होगा, तो आपको बताना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बच्चों उनकी एक ये वह पुस्तक है जब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वहाँ पे साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। और बिफोर उनसे पहले जितने भी जो प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका, वो गोरे लोग रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में, जो कि उन्होंने उसको कंप्लीट किया। और इसके लिए वो 30 ईयर्स जेल में भी रहे हैं वो। तो उसकी पूरी जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने बताई है अपनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, किस तरीके से उसने अपने पूरी होल लाइफ में जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किया, स्ट्रगल किया, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया और गोरे और काले लोगों के बीच में जो भेदभाव था उसको ख़त्म करके, और उन्होंने वो वहाँ के प्रधान, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये उनकी स्टोरी है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ चलिए हम इसके बारे में अंदर से भी बताते हैं आपको, ठीक है ना? तो ये था बच्चों, अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो आपने शायद इससे पहले आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने इसे जाना होगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में पढ़ा ही होगा, और आपने ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमारा यही है, और साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला थे बच्चों, फाइनली जो वो जब बने साउथ अफ्रीका के 1994 में वो वहाँ के बन गए, और अफ्रीकन नेशनल पार्टी से वो खड़े हुए थे, और 400 सीटों में से उनको कितनी सीटें मिली थी? 2 सीटें उनको प्राप्त हुई थी, ठीक ना? और वो वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, द नेल्सन मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 सेंचुरीज। मतलब पूरे 3 सेंचुरीज के बाद वो क्या बनते हैं? फर्स्ट बनते हैं, क्योंकि 3 सेंचुरी तक वाइट रूल रहा है, मतलब जो गोरे लोग थे वो बने थे। तो मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 सीट्स, अबाउट 400 सीट्स में से उनको मिली थी। तो ये सबसे बड़ी हिस्ट्री था उनके लिए, और 1994 में जो वो उनकी पार्टी की सरकार बनी। तो वो बताते हैं अपनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग इन द प्रेटोरिया टूडेज, अटेंड बाय द पॉलिटिशियंस एंड द डिग्निटरीज फ्रॉम मोर दैन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि जब वो ऑथ इनोग्रेशन हुआ, सेरेमनी प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पे मोर दैन 40 कंट्रीज से जितने भी जो हैं पॉलिटिशियंस आए थे, और उन्होंने एक अपना ओपिनियन भी दिया था, और आपको वो पूछ भी सकता है, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। उन्होंने अपने भाषण में बोला था। अब आते हैं बच्चों हम इसमें आगे, ये कुछ एक्टिविटी दी गई है आपको करनी है आपने, ठीक है? अब वो ये जो था बच्चों, 10th May डॉन ब्राइट द एंड क्लियर, वो बिल्कुल वो दिन जो था 10th May 1994 का, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन द प्लीसेंटली बिसाइड बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स। मतलब कि वह 10 मई का दिन उनको बहुत याद है, जो उनको बहुत सारे जो 140 कंट्रीज से जितने भी पॉलिटिशियंस आए थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रिस्पेक्ट दे रहे थे, क्योंकि वो पार्टी से जीते थे इसीलिए। एंड द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन द प्रिटोरिया। तो उन्होंने बताया कि किस तरह की सेरेमनी में बहुत सारे जो लोग आए थे, और साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो बनी थी, नॉन लीगल गवर्नमेंट जो बना था वहाँ पर, उसके बाद। अब देयर इज सम पिक्चर्स ऑफ नेल्सन मंडेला, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते थे, ठीक है ना? और कलर से तो बच्चों देखो कुछ भी नहीं होता है,
आजकल जितने भी लोग हैं मेहनत करेंगे तो काले ही होंगे, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये बात है, और ऐसी कोई बात नहीं है, गोरे कालों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। मेन हो कि हमें क्या स्ट्रगल हम जो कर रहे हैं वो हमें उस मुकाम पे, हमें हमारे एम पे पहुंचना है। और ये एम नेल्सन मंडेला ने बचपन से ही देखा था, उन्होंने अपने घर में मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहनों के साथ जो फ्रीडम के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो चीज़ इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है ना। तो फ्रीडम इनके लिए मेन मेन इम्पॉर्टेंट है, फ्रीडम, ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। अब आगे, जब ये औंत ले रहे थे, इसी समय एक और थे, थबको मेविकी वॉज स्वर्न इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ व्हेन इट वॉज माई टर्न। और उसके बाद उसका टर्न आता है, अबे द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस। उन्होंने किसके बारे में एड्रेस्ट किया, डिवोट वो उसके संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे, एंड टू वेल द बींग द रिपब्लिक इट्स पीपल। और वो अपने जितने भी जो लोग हैं उनके लिए हर समय खड़े रहेंगे। तो उन्होंने बताया, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आर प्रेजेंस हियर कन्फर्म ग्लोरी एंड द होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। वो बताते हैं कि ये जो हुआ है, एक तरीके से मेरे द्वारा जन्म हुआ है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट द लास्टेड टू लॉन्ग। जो देख रहे हैं बहुत सारे जो सोसाइटी में होते हैं लोग, वह क्या करते हैं, एक दूसरे को सताने का कार्य करते हैं, तो वो उन्होंने ख़त्म करने का सोचा। और उन्होंने एक चीज़ और बताई है बच्चों, अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल द लिफ्टेड आर आइज इन अवी एज द स्पेक्टकुलर एरी ऑफ द साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज एंड द रोडेड इन द परफेक्ट फॉर्मेशंस ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो यूनियन बिल्डिंग्स है वहाँ पे बहुत सारे सेपरेट में, एक के बाद एक जो हेलीकॉप्टर्स। इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले पिन पॉइंट एंड द प्रीक्षण एंड द मिलिट्री फोर्सेज, बहुत सारी मिलिट्री फोर्सेज थी, एंड द डेमोक्रेसी टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन द फ्रीली एंड द फेयरली इलेक्टेड। जो नई गवर्नमेंट बनी थी बिना किसी भी ना भेदभाव के फ्रीली बनी थी, और वहाँ पे हर किसी लोगों ने, जितने भी लोग थे ब्लैक लोगों ने अपना ज़्यादा योगदान दिया था। और उन्होंने बताया, जेट लेफ्ट द स्मोक ट्रेल ऑन द ब्लैक एंड रेड ग्रीन ब्लू, बहुत सारे जो थे जेट, जो हवाई जहाज जो आए थे वो चीज़। ये कुछ हैं जिन्होंने फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स किया है, ठीक है ना। आप ये देख सकते हो, लुथलुई एंड द वथलर सिस्लू एंड द ओवलियर थम्बो और ऐसे यूसुफ दादू, इस तरीके से कुछ हैं जिन्होंने फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अब वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं कुछ, और तो उसके बारे में आपको बताकर और ये चैप्टर हम समाप्त करेंगे। नेल्सन मंडेला का ये रहा, इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम फॉर माई पीपल टू लीव दियर लीव्स विथ डिग्निटी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट दैट द एम्ड माई लाइफ एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्रेटन यंग मैन इन टू द बोल्ड वन। वो किस तरीके से बताते हैं, डिग्निटी एक उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, जो कि सबके मन का जो उन्होंने क्या किया, जो होता है लोग होते हैं ना जैसे कि भेदभाव करते हैं, वो उसको सबको चेंज कर दिया, और वही लोग उसको आज एक इज्जत रिस्पेक्ट देने लग गए। दैट द टर्न टू फैमिली लविंग एंड द हस्बैंड इन टू द मैन विदाउट द होम दैट द फोर्स लाइफ लविंग मैन टू लाइफ लाइक मॉन्क। आई एम बोलते आई एम नो मोर द वर्चुअस ऑफ द सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। वो बोलते हैं, मैं किसी की तरह सेक्रीफाइस करने वाले में से नहीं था। आई न्यू माई पीपल्स वर नॉट फ्री, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ द माई पीपल वर चेन्स ऑन दैम। मतलब वो बोलते हैं कि जो एक चैन है पीपल्स को क्या रहना चाहिए, फ्री, वो कहीं भी आए जाए। बचपन में इनको क्या किया जाता था, खेतों में जाने के लिए नहीं दिया जाता था, नदियों में तैरने के लिए नहीं दिया जाता था, तो ऐसी फ्रीडम और किसी से छीनी ना जाए, तो हर किसी को फ्रीडम दी जाए, वो ये चाहते थे। और ऐसा कि हालांकि इन्होंने किया भी, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बच्चों आपका ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। मैंने आपको एक शब्दों में छोटे में बता दिया, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो ऑटोबायोग्राफी है वो किन की है, नेल्सन मंडेला की। और पूरे तरीके से इन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में बताया, बचपन से लेकर पूरे जब तक वो प्रेसिडेंट बने थे, और ये सारी चीज़ें इन्होंने इनको वो जो किस पार्टी से खड़े हुए थे, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पूरा ये समरी बताई। यदि आप सभी को इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सेशंस में आप कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। और यदि आपको इससे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन से अगर इश्यू है तो यू कैन मैसेज मी एंड कॉल मी, ठीक है ना। और यदि वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बच्चों आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से वीडियो आती रहेगी। थैंक यू सो मच।